हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं जितिन यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भाई आज हमारे पास अवेलेबल है सिग्मा वेरिएंट ब्लैनो का जो कि हालांकि लॉन्च हुआ है कल ही तो भाई आप बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी बट इसके अंदर आप जो बात है जो मेरे पास भी डेल्टा वेरिएंट है भाई दो हज़ार बीस का तो उसमें क्या क्या मुझे चेंजेस लगे वो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई इसके अंदर आप एक तो बोल रहे हैं कि शोरूम वाले से हमने डन किया कि भाई मतलब कि ये रहने वाली फाइव स्टार रेटिंग रहने वाली है और इसका अभी सर ऑफिशियल कुछ डन हुआ नहीं है कि भाई अब कब होगी कब नहीं भाई ट्वेंटी को बोल रहे हैं कि फाइव स्टार रेटिंग गाड़ी रहने वाली है भाई भाई फ़ाइव स्टार के हिसाब से आप बोल सकते हैं पहले टाटा थी तो कॉम्पिटिटर शायद मारुति अब ये हो जाएगी ना फाइव स्टार रेटिंग में तो शायद इसके जैसी गाड़ी मुझे तो लगता नहीं है कि मार्केट के अंदर और भी अवेलेबल है फाइव स्टार के साथ आप मारुति ले रहे हैं तो भाई बहुत शानदार चीज़ है क्योंकि टाटा में आप सबको पता है थ्री सिलेंडर इंजन थे इसके अंदर फोर सिलेंडर इंजन आपको अवेलेबल है और इसकी बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन की तो भाई ग्यारह सौ इंजन इसके अंदर अवेलेबल है और एक सौ तेरह एन एम की पावर के हिसाब से तो और जो वेट है भाई उसकी भी मैं बात करूं तो पहले बोलते थे कि बिल्ड क्वालिटी इसकी कम है सेवेंटी के जी इसमें ऐड ऑन किया गया है वेट मारुति की साइड से तो भाई ये बहुत शानदार चीज़ रहने वाली है और इसमें बात करेंगे क्या क्या स्पेसिफिकेशन है क्या फीचर्स इसमें ऐड ऑन है अभी इसमें जो अलोविस् देख रहे हैं भाई ऐड ऑन कराए गए हैं क्योंकि अभी इसकी डिलीवरी है ना अभी जस्ट ट्वेंटी मिनट दो बीस मिनट बाद ही इसकी डिलीवरी होने वाली है तो इसमें यही चीज इसमें क्या क्या ऐड ऑन किया है वो बताऊंगा आप सबको पता है कि सिग्मा में जो मारुति के अंदर देती थी उसमें और इसमें क्या क्या चेंज किया है अब तक जो लास्ट मॉडल था मेरे पास जो डेल्टा वेरियंट था तो और इसके अंदर क्या क्या मतलब कि चेंज हुआ है बॉडी के हिसाब से एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों की बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को आप देख सकते हैं ये है सिग्मा मैंने जैसे आपको बता दिया और इसकी बात करें ना तो ये कीज़ है भाई ये एड ऑन में करा के इन्होंने सेंटर लॉकिंग कराई गई थी और इसकी अब जो मेन चीज़ है ना उसके ऊपर हम आते हैं इसको पहले कर लेते हैं अनलॉक और इसके फ्रंट साइड से बात करें ना तो भाई इसके अंदर आप देख सकते हैं ये एल ई डी हेडलैम्स इसके अंदर दिए गए हैं ये हेलोजन यहां पे मिलेंगे और यहां पे डी आर एल्स जो टो मॉडल वेरियंट्स है ना उसमें डी आर एल्स अवेलेबल हो जाते हैं बट ये बेस मॉडल है तो आपको यहां पे डी आर एल्स अवेलेबल नहीं होंगे और बात करें यहां पे इसकी तो अभी ग्लोसी फिनिश है ना आपको और टो वेरियंट्स के अंदर आपको ग्लोसी फिनिश यहां पे मिल जाते हैं बट यहाँ पे सुजुकी की बैचिंग दी गई है और सेम एज इट इज जो यहां पे होता था ना बट इसमें जो थोड़ा गैप करके इसको बोनट को यहाँ पे ऊपर कर दिया गया है मतलब इसका जो लुक है ना वो पूरा का पूरा टोटल चेंज कर दिया गया बाउंसी लुक हो रहा स्पोर्ट्स ही बहुत शानदार इसका लुक है जो पहले वेरिएंट था उससे तो सब बेस्ट ही है और यहां पे हम बात करें तो फोगलैम्प की तो आप एड ऑन भी करा सकते हैं शोरूम से या आफ्टर मार्केट भी जाके यहां पे आप लगवा सकते हैं फोकलैम अब आते हैं साइड साइड से तो भाई इसमें आप देख सकते हैं फेंडर के ऊपर इंडिकेटर दे गया बिकॉज ये ए, सिग्मा वेरिएंट है बेस मॉडल है वैल्यू फॉर मनी सबसे ज़्यादा जो रहने वाला है ना इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाए आपको अवेलेबल हो जाएगी या तो आप सिग्मा वेरेंट लें मैं जो आपको प्रेफर करता हूँ सिग्मा वेरेंट या आप लें टो वेरियंट क्योंकि इसके अंदर उसके अंदर थ्री कैमरा मिल जाएगा और आपको यहाँ पे थ्री कैमरा ऐड ऑन कराना है ना तो आप लगा लीजिए जो आफ्टर यहाँ पे शोरूम के हिसाब से पाँच हज़ार का एक कैमरा पड़ता था तो भाई चार कैमरे हो गए तो बीस हज़ार शायद से शायद ये पंद्रह या सोलह हज़ार का आपको जो टॉप वेरियंट का मजा है इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा पंद्रह या सोलह हजार के अंदर तो आप वो भी आप इसके अंदर एड ऑन करा सकते हैं थ्री सिक्सटी कैमरा भी वो आपके ऊपर डिपेंड है या कराना मतलब कि जो टॉप वेरियंट के मजे हैं वो आप ले सकते हैं सिग्मा के अंदर भी एड ऑन करा के तो अब बात करें टायर प्रोफाइल की तो भाई टायर प्रोफाइल इसके अंदर फिफ्टीन इंच के टायर यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं बट ये जो अलोवेल्स है ये भाई जो हैं वो एड ऑन करे गए हैं ये इसके अंदर आपको मिलते नहीं है और साइड से बात करें तो क्रोम यहाँ पे डोर हैंडल्स भी एड ऑन किए गए हैं आप भी करा सकते हैं वही सेम एज एजीज मैं आप सबको बोल रहा हूँ इसमें बस ये जो ओ आर वी एम से भाई ये के जो बॉडी कलर है वो नहीं दिया गया अब कर लेते हैं इंटीरियर की कुछ बातें इसके अंदर क्या क्या इसमें दिया गया है क्या नहीं दिया गया है बाहर ना डोर हैंडल से ही स्टार्ट करते हैं तो डोर हैंडल से ही यहाँ पे देख सकते हैं चारों पावर विंडो यहाँ पे मिलेगी लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे मिल जाएगा और इस साइड से बात करें तो भाई मैं यहाँ से लाइट ऑन कर लेता हूँ मतलब गाड़ी है ना बहुत शानदार गाड़ी भाई बना दी गई है एक बात और बताऊ मैं आप सबको भाई ये जो ये इसका इंटीरियर है ना इसमें बैठ के है ना आप कभी भी मतलब अननोन बंदा मतलब किसको पता नहीं है ब्लैनो गाड़ी है और ये सुजुकी का यहाँ पे बैचिंग ना हो तो कोई बता ही नहीं सकता कि भाई ये मारुति की गाड़ी हो सकती है बिकॉज ये टाटा के अंदर होता था इतनी क्वालिटी वाइज इतना हैवी क्वालिटी बहुत जबरदस्त इसके अंदर दे दिए गए आप इसके अंदर देख सकते हैं स्पीडोमीटर एम आई डी यहाँ पे आरपीएम के लिए दिया गया है भाई मतलब चेंज है ना आप ये लगा लीजिए इसके अंदर भाई लो वेरिएंट के अंदर आपको है ना जो पहले स्पीडोमीटर मिलता था वो सिंपल सा मिलता था बट इसके अंदर जो पहले मिलते थे ना क्या करें डेल्टा वेरिएंट के अंदर तो आपको ये आप अभी से सिग्मा में मिल जाएगा तो मतलब वैल्यू फॉर मनी गाड़ी रहने वाली है भाई मैं तो यही बोलूंगा इसके अंदर कंट्रोल्स नहीं है आप बाहर से लगवा लें कंट्रोल मैं तो यही बोलता हूँ भाई ज्यादा रुपए यहाँ पे शोरूम वाले लेते हैं तो भाई आफ्टर मार्केट जाके आप काम करा सकते हैं और आपको यहाँ पे टच के अंदर ये एड ऑन किया गया है भाई इसके अंदर आप ये यहाँ पे आपको टच में स्क्रीन में नहीं मिलेगा कुछ भी आपको ये ऐड ऑन कराना पड़ेगा यहाँ पे खाली मिलेगा आपको सब कुछ ये एसी वेंट्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो में ये दिए गए हैं इसके अंदर यहाँ से टेम्परेचर अप डाउन के लिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा अंधेरा हो गया है इसकी वजह से यहां से अप डाउन पे कम हो जाएगा तो मैं से कर देता हूँ बंद ये मैंने ऑफ कर दिया है आवाज की वजह से यहाँ पे चारों इंडिकेटर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हजार लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगी और ये जो ग्लव बॉक्स है भाई ये कुछ ऐसा मिलेगा अभी थोड़ा अंधेरा हो गया भाई उसकी वजह से दिख नहीं रहा है सॉरी उसका और यहाँ पे ग्लोसी फिनिश देख सकते हैं आप इंटीरियर के अंदर और ये गेयर नूब है आप देख सकते हैं ये इसके अंदर क्रोम वगैरह कुछ नहीं मिलेगा और ये हैंड ब्रेक है तो भाई ये है ना बहुत ज़बरदस्त गाड़ी वैल्यू फॉर मनी सबसे जो रहने वाली है ना और इसका ये ऑटो दिया गया है आपका ऑटो को सबको पता होगा कि ये डायरेक्टली ऑफ हो जाती है और ऑन हो जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी ऑफ हो जाएगी जैसे रेड लाइट्स के ऊपर जो 50 सेकंड्स होते हैं उसमें आप न्यूटल करेंगे ना तो गाड़ी ऑफ हो जाएगी क्लिच आप बिचेंगे तो गाड़ी ऑन हो जाएगी भाई मेरे हिसाब से तो जो ब्लैनो है ना सिग्मा वेरिएंट ले आप देख सकते हैं ये भाई सीट कवर्स है ना ये भी ऑन है भाई बहुत शानदार सीट कवर्स है कंफर्ट है इन इनके अंदर तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूले बिकॉज ऐसी जो वीडियोस आगे आगे वीडियोज़ आएंगी ना उसके लिए मैं मोटिवेट हो जाऊँ क्योंकि लास्ट चैनल था वो मैंने बंद कर दिया था उसी की वजह से बट इसके अंदर आप थोड़ा सा वो कर दें और बैक साइड की बात करें तो भाई इसके अंदर आप देख सकते हैं कंट्रोल्स की बात करें तो कंट्रोल्स यहाँ पे वही सेम एज इट इज़ मिल जाएगा मैं अभी बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अंधेरा हो गया है उसकी वजह से यहाँ पे अंदर दिख नहीं रहा है कुछ भी मैंने लाइट भी ऑन कर दी फिर भी तो ये बैक सीट्स हैं यही से स्पेस सेम एज इट इज़ वही है इसके अंदर आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे सी भाई बेस मॉडल के अंदर चारों पावर विंडोज़ आपको मिल रही है और क्या चाहिए मतलब टाटा की जो मार्केट ख़राब करने के लिए है ना भाई वो मारुति ने गाड़ी ला दी है मार्केट के अंदर यही चीज़ बहुत रेयर होती थी कि मारुति इतना कुछ प्रोवाइड करा रही है विद फाइव स्टार रेटिंग मैं तो ये बोलूँगा विद फाइव स्टार रेटिंग भाई बहुत शानदार चीज़ है और बात करें अब इसकी तीन लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है इसके अंदर आप देख सकते हैं भाई आफ्टर मार्केट जाके सीएनजी भी लगवा लेंगे ना जब भी बहुत स्पेस रहने वाला है ये पूरा का पूरा इतना कवर हो जाएगा जब भी ना तीन तीन बैग तो इजीली आ जाएंगे इतना स्पेस इसके अंदर बलैनो के अंदर है और इसकी बात करें तो टेल लाइट की इसके अंदर देख सकते हैं ये डी जो टो वेरियंट होता है डी दिए गए थे इसके अंदर ये नॉर्मल एल दिए गए हैं और इसके अंदर बैक कैमरा नहीं है चार सेंसर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ पे वन टू और ये थ्री एंड फोर यहाँ पे चार सेंसर बैक सेंसर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे ब्लैनो की बैचिंग मिल जाएगी टेल लाइट्स भाई पीछे का पूरा का पूरा ये भी चेंज मतलब कि बोले ना तो पूरा का पूरा चेंज है जो पुराना मॉडल था उससे पूरा का पूरा, पूरा चेंज है आपको गाड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं मैं यही बोलूँगा आपको और साइड लुक एज इट इज़ वही यहाँ पर आपको फ्यूल कराने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा सेम एज इट इज़ जो उधर था वही सेम इधर रहने वाला है तो आपको गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू